हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आज मैं बात करूंगी कि टमाटर के पौधे कैसे लगाएं। तो इसके लिए आपको कोई बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके किचन में जो टमाटर हैं, आप उसी से पौधे आसानी से उगा सकते हैं। तो आपको एक टमाटर में कम से कम 30 पौधे आ जाएंगे। तो मैं कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगी जिससे आप को 5 से ही 6 दिन में आपके टमाटर के पौधे आ जाएंगे। और देखिए, मैंने एक गमला ले रखा है, इसमें मैंने मिट्टी पूरी नहीं ली है, अब मैंने मिट्टी थोड़ी कम ही ली है, आधी सी भी कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। तो मैंने मिट्टी इसलिए कम ले रखी है ताकि इसमें जो बीज जब मैं डाल दूंगी तो इसे धूप कम लगे और हवा भी कम लगे। किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए धूप की ज़रूरत नहीं होती, तो इसीलिए मैंने मिट्टी कम ले रखी है। तो हम एक टमाटर ले लेंगे। आपको टमाटर को बीज से काट लेना है और इसके अंदर के जो बीज वाले हिस्से हैं उसे निकालना है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें अच्छी तरीके से निकाल रखा है, हमें सिर्फ बीज की ज़रूरत है। अब टमाटर के इस हिस्से को किचन में यूज कर सकते हैं। अब हम मिट्टी को मिट्टी में इस तरीके से फैला कर डालना है। इसके बाद इसके ऊपर हम सूखी मिट्टी डालेंगे, बिल्कुल बारीक मिट्टी डालनी है आपको, ऊपर से एक पतली लेयर बनानी है उसकी। देखिए ये बिल्कुल बारीक है, आपको बस ऊपर से एक लेयर बना देनी है इसकी। बीज जो है वो मिट्टी से ढक जाने चाहिए ताकि उसकी नमी जो है वो बनी रहे और वो जल्दी अंकुरित हो सके। बीज के ऊपर अगर आप मिट्टी नहीं डालेंगे तो बीज सूख सकते हैं और वो खराब हो जाएंगे, तो आप हल्की सी मिट्टी ऊपर ज़रूर डाल दें। अब हम इसके ऊपर पानी डाल देंगे। तो देखिए, आपको बस थोड़ी थोड़ा पानी डालना है ऊपर ताकि बीज जो है वो मिट्टी के ऊपर ना आए। पानी डालने के बाद आपको अब अगर आप छत पर पौधे लगा रहे हैं तो आप इसको कहीं साइड में रख दें ताकि इसमें धूप कम आए। आप छांव वाली जगह में रखेंगे तो आपके पौधे जो वो जल्दी अंकुरित आ जाएंगे। आप इसमें रोज पानी डालें ताकि इसके बीज सूखे ना, और 5 से 6 दिन में आप देखेंगे इसके पौधे निकलने शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, 6 से 7 दिन बीत जाने के बाद इसमें जो है वो काफी सारे पौधे आ चुके हैं। जैसे जैसे पौधे बड़े हो जाएंगे आप उसमें चाहे तो मिट्टी डाल सकते हैं, या फिर पौधे बड़े होने के बाद थोड़े गमले से बड़े हो जाए तो आप उसको निकाल के अलग गमले में लगा दें। गमले में भी आपके पौधे में टमाटर आसानी से आ जाएंगे। तो मैंने एक पौधा लगा रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पौधा इसमें लगा रखा है। देखिए इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। देखिए इसके फूल आने शुरू हो गए हैं, इसके पत्ते भी काफी अच्छे हैं। तो आप घर में भी आसानी से टमाटर के पौधे उगा सकते हैं और बड़े होने पे वो आपको अच्छे अच्छे लाल लाल टमाटर जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।